हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिमन्यु आई एस एंड इन द क्लास ऑफ यूपीएससी पी सी सेट सुपर फाइव टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नंबर सीरीज अब नंबर सीरीज से हर बार एग्जाम के अंदर आपको वन टू टू क्वेश्चन मिल जाते हैं एंड द सेकेंड थिंग इज कि जो नंबर सीरीज है अगर आप इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हो इन दैट केस इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो इजीली कर सकते हो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस मस्ट है ओके okay? तो अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर करूँ कि नंबर सिस्टम के कैसे क्वेश्चंस आते हैं सी सेट के एग्जाम के अंदर अगर वैसे देखें तो जनरली मिसिंग टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाते हैं रॉन्ग सीरीज मिल सकती है आपको एग्जाम में और कुछ और भी पैटर्न खास करके जब हम सी सेट की बात करते हैं तो जर्नल पैटर्न की बजाय कुछ डिफरेंट पैटर्न आपको एग्जाम के अंदर मिलते हैं तो उन टाइप के कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में आज डिस्कस करने वाली हूँ तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं सी सेट के अंदर नंबर सीरीज के यस फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन क्वेश्चन यहां पे क्या है क्वेश्चन है आपके पास द क्वेश्चन गिवन बिलो बेस्ड ऑन सीरीज वन एंड द सीरीज वन इज सेटिस्फाइंग सर्टेन पैटर्न जो सीरीज यहां पे दो सीरीज आपके पास में गिवन है सीरीज वन एंड टू ओके और क्या कह रहे हैं द सीरीज वन इज सेटिस्फाइंग ए सर्टेन पैटर्न सीरीज किसी ना किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही है एंड सीरीज टू इज फॉलोइंग इन द सेम पैटर्न यस सेम पैटर्न सीरीज टू में फॉलो हो रहा है देन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो अब आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क किस जगह पे क्या आएगा ये फाइंड आउट करना है अब देखने में तो वैसे तो क्वेश्चन इजी है क्वेश्चन इजी है बट यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को लॉजिकली चेंज कर दिया सो so दैट कि हमारे माइंड में क्या हो एक स्ट्रेस आ गया कि कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया बट दिस इज नॉट डिफरेंट पहले इसको समझो क्या है पहले आपको जैसे हम नंबर सीरीज करते आए हैं कि हमने पैटर्न फाइंड आउट करना है कि सीरीज क्या पैटर्न फॉलो कर रही है आप उस पैटर्न को फॉलो करोगे उसको फाइंड आउट कर लोगे एंड देन सेम पैटर्न आपने अप्लाई करना है सेकेंड वन पे ओके okay? आई होप क्वेश्चन क्लियर है सभी को तो पहले अगर हम यहाँ पे देखें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है देन यू कैन सी कि जो फर्स्ट वाली सीरीज है उसके अंदर सारे नंबर नियर बाई डबल के हैं है ना डबल के नियर बाई नंबर सारे बट उसमें साथ में कुछ एडअप हो रहा है देखो अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या हो रहा है ट्वेल्व इंटू टू कितना बन गया आपके पास ट्वेंटी फोर

ओके सेम वे अगर हम इसका डबल करते हैं कितना आ रहा है आपके पास में 118 118 बट हेयर इट इज 125 18 फाइव एटीन प्लस सेवन प्लस सेवन लॉजिक आई होप सभी को मिल गया लॉजिक मिल गया क्या हो रहा है डबल जो नंबर है वो क्या हो रहा है आपके पास में डबल प्लस प्लस हर बार क्या कर रहे हैं हम डबल करने के बाद में एड कर रहे हैं हम क्या थ्री फाइव सेवन नाइन देन इलेवन ठीक है इस तरह से आपके पास में नंबर एड हो रहे ओके okay? हाँ जी क्लियर है देखो यही हो रहा है अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे नाइन एड हो रहा है टू फिफ्टी हो जाएगा इधर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में क्या हो रहा है इलेवन एड हो रहा है अब सेम पैटर्न हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री Into टू प्लस क्या करना है आपको प्लस क्या करना है हमने थ्री कितना हो गया फोर्टी सिक्स प्लस थ्री फोर्टी नाइन बट हमें क्या चाहिए यहां पे क्या आएगा तो यहां से क्या मिला मुझे कि भाई यहां पे फोर्टी नाइन आ जाएगा अब नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करोगे इसका डबल प्लस क्या करेंगे फाइव कितना आ गया वन हंड्रेड एंड थ्री नेक्स्ट टर्म के लिए सेम 103 का डबल 206 प्लस 7 213 ओके okay? बट हमने कहां तक पहुंचना देखो ये आ गया आपके पास में 103 ये आ गया आपके पास में 213 ओके okay? अब नेक्स्ट एक और फाइंड आउट करना पड़ेगा 213 हंड्रेड एंड थर्टीन इंटू टू प्लस नाइन, ओके, okay. कितना हो गया ट्वेंटी सिक्स प्लस नाइन दैट मीन थर्टी फाइव फोर थर्टी फाइव कितना आ जाएगा आपके पास में फोर थर्टी फाइव। आंसर विल बी फोर थर्टी फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी वन के अंदर सेम टाइप ऑफ सीरीज एग्जाम के अंदर आई हुई थी दिस इज नोट सीरीज विच वॉज आस्ट इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन वी विल डिस्कस इन पी क्यू जो हमारी सुपर फाइव सीरीज है इसमें हम क्या कह रहे हैं पहले आपके पास में हम फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं इंपोर्टेंट टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं इन इन द द द फर्स्ट वन वन एंड सेकंड वी आर डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक तो नेक्स्ट क्लास के अंदर वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे ओके okay? तो ये अभी सभी को क्लियर है कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन रहे हैं टाइप सभी को क्लियर करनी है अपने अब नेक्स्ट देखो यस yes. अब यहां पे क्या है क्वेश्चन आपके पास में ट्वेंटी एट ट्वेंटी फाइव फाइव ट्वेंटी वन एटीन फाइव एंड फोर्टीन साथ में क्या कह रहे हैं लुक द के लुक केयरफुली फॉर द पैटर्न एंड देन चूज विच पेयर यस पेयर फाइंड आउट करना है आपको एक सिंगल नंबर नहीं फाइंड आउट करना यू हैव टू फाइंड आउट द पेयर की नेक्स्ट क्या आएगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द सीरीज की सीरीज में क्या पैटर्न यहां पे फॉलो हो रहा है तो अगर हम देखें, तो यहाँ पे देखिए जो सीरीज है सीरीज यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है माइनस थ्री ठीक है फिर आ रहा है आपके पास फाइव फिर आपके पास में रेंडमली एक नंबर आ गया एक रेंडम नंबर है ठीक है उसके बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है फिर माइनस थ्री और फिर फाइव आ गया ठीक है फिर फाइव के बाद में फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए अगेन माइनस थ्री माइनस थ्री ये हमें यहाँ पे मिला कि भी पहले माइनस थ्री आ रहा है फिर माइनस थ्री आ रहा है अगेन वी विल डू इट माइनस थ्री जब हम यहाँ पे माइनस थ्री करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को इलेवन और यहाँ पे माइनस थ्री करने के बाद में क्या मिल रहा है यहाँ पे भी फाइव मिला है मुझे यहाँ पे भी फाइव मिला है दैट मीन्स की नेक्स्ट नंबर पर क्या मिलना चाहिए फाइव ओके okay. तो क्या पेयर आएगा यहाँ पे इलेवन एंड फाइव इलेवन एंड क्लियर कोई माइनर सा डाउट यहाँ पे आई होप सभी को क्लियर है तो ऐसे हम पेयर फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे सिंगल नंबर फाइंड आउट करने की बजाय आपको पेयर भी फाइंड आउट करने के लिए मिल सकता है इवन द क्वेश्चन कैन बी बेस्ड ऑन द रोमन नंबर सीरीज द सीरीज़ बेस्ड ऑन डेट्स ओके कोई भी पर्टिकुलर आपके पास में डेट गिवन हो सकती है आपके पास में एक नंबर इवन आपको मिल सकता है एक ओड मिल सकता है या स्केयर

तो सभी ने इन पे भी प्रैक्टिस कर लेनी है अब देखो क्या है द क्वेश्चन बिलो आर बेस्ड ऑन द गिवन सीरीज सीरीज वन एंड सीरीज इज सर्टेन पैटर्न एंड सेम पैटर्न इज फॉलोइंग सीरीज आंसर करना अब पहले हमने पैटर्न फाइंड आउट करना है पैटर्न फाइंड आउट करना है क्या हो रहा है यहाँ पे अगर हम यहां से देखें यस yes, क्या हो रहा है डिवाइडेड बाई थ्री देन अगेन डिवाइडेड बाई थ्री डिवाइडेड बाय थ्री डिवाइडेड बाय थ्री डिवाइडेड बाय थ्री पैटर्न मिल गया पैटर्न मिल गया अब यहां पे देखो कि मुझे कहां पे नंबर मिल रहा है मुझे नंबर गिवन है यहां पे अब फाइंड आउट किधर करना है नंबर अगर हम इधर जा रहे हैं नंबर राइट साइड में क्या हो रहा है डिवाइडेड हो रहा है अगर लेफ्ट में जाएंगे तो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई अगर हम इधर से देखें तो मल्टीप्लाई नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन इंटू थ्री एटी वन इंटू थ्री क्वेश्चन मार्क अब देखो कहां पे है लेफ्ट में जा रहा है राइट में जा रहा है यस द द क्वेश्चन मार्क इज इन राइट दैट मीन वी विल डू वी विल डिवाइड इट अब फोर फाइव है आपके पास में अब इसको अगर हम थ्री से डिवाइड करते हैं थ्री से डिवाइड करते हैं कितना आएगा है आपके पास में यस दिस विल बी वन थ्री फाइव आपके पास में थ्री फोर साइव फिफ्टीन ओके अगेन यू डिवाइडेड बाई थ्री देर विल बी फिफ्टीन ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर डन क्लियर है सभी को नेक्स्ट देखिएगा हाँ जी अभी जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि डेट पे बेस भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है अब यहां पे देखो क्या है यहां पे कुछ आपके पास में सीरीज गिवन है क्या है फोर ट्वेल्व 95, फाइव वन वन नाइनटी सिक्स ट्वेंटी नाइन वन नाइनटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स टू नाइनटी सिक्स एक पर्टिकुलर डेट आपके पास में गिवन है तो अब अगर हम यहाँ पे देखें ठीक है ना फोर्थ दिसंबर ठीक है नाइनटीन नाइनटी सिक्स तो अब यहां से डिफरेंस कितने का आ रहा है फिर क्या कह रहा है फर्स्ट जैन फर्स्ट जैन देखो कितने का डिफरेंस है कितने का डिफरेंस है ध्यान से देखो कितने का डिफरेंस है फोर्थ से फर्स्ट पे जा रहा है अब अगर हम दिसंबर के मंथ की बात करते हैं इन ट्वेल्थ मंथ वी हैव थर्टी वन डेज थर्टी वन डेज तो फोर्थ से अगर हम थर्टी वन पे जाते हैं कितना हो गया आपके पास में यस थर्टी वन पे जा रहे हो आप कितना हो गया ट्वेंटी सेवन और आगे हमने किस पे जाना है फर्स्ट पे दैट मीन्स ट्वेंटी एट कितने डेज आ गए आपके पास में डिफरेंस कितने का ट्वेंटी एट डेज का डिफरेंस है सो so, डिफरेंस देखो यहाँ पे कितने का बन रहा है एक बार दोबारा चेक करो सभी देखिए बेटा अगर हम यहाँ पे डेट की बात करें नाइनटीन नाइनटी फाइव यहाँ पे डेट क्या है आपके पास में नाइंटी फोर ट्वेल्व नाइनटीन फाइव से लेके अगर हम देखें थर्टी फर्स्ट नाइनटी फाइव कितने का गैप आ गया एक बार गैप को चेक करो कितने का गैप है थर्टी वन से अगर मैं फोर को माइनस करती हूँ कितना आ गया आपके पास में ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन डेज का डिफरेंस ही आ गया आपके पास में और बट यहाँ पे सीरीज में कितना गिवन है आपके पास में बेटा वन वन नाइनटी सिक्स थर्टी फर्स्ट के बाद में क्या आएगा फर्स्ट जे मंथ चेंज हो गया आपके पास में नाइन्टी फाइव का क्या बन गया नाइंटी सिक्स ओके तो टोटल जो डिफरेंस है डेज का कितने का आ गया ट्वेंटी एट डेज का डिफरेंस तो so, डिफरेंस कितना है हमारे पास में ट्वेंटी एट डेज का क्लियर आई होप सभी को क्लियर है अब आगे देखो यहां पे वन से ट्वेंटी नाइन अगेन 28 डेज का डिफरेंस है अब यहाँ पे 28 से अगर हम यहाँ पे देखे फेब पे तो कितने का डिफरेंस है अगेन 28 का डिफरेंस है 28 का डिफरेंस आ गया अब आगे देखो यहाँ पे 26 फेब 1996 से अगला क्या आएगा दिस इज अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सी सेट के अंदर थोड़ा तो आपको लॉजिकल क्वेश्चन मिलेंगे बिकॉज ट्रेंड चेंज हो रहा है क्वेश्चन का देखने में ऐसे लगता है है नंबर सीरीज आपको मिल रही एग्जाम के अंदर बट प्रैक्टिस मस्ट है जिनकी प्रैक्टिस है वो इजीली ले लेंगे 33 परसेंट बट अगर प्रैक्टिस नहीं है तो 33 परसेंट लेना भी डिफिकल्ट हो जाता है तो प्रैक्टिस 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 बार बार रिपीटेडली कह रही हूं आप लोगों को हां जी बताओ अब यहां पे देखो बेटा जो नाइनटी है 96 है सभी को पता है कि कि कौन सा ईयर था? जो है का का? मंथ कितने दिन बाद में 27, 28, 29 सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थ्री डेज तो यही गए हमारे पास में ओके यही गए और उसके बाद में थ्री के बाद में मुझे क्या चाहिए ट्वेंटी एट का डिफरेंस दैट की ट्वेंटी फिफ्थ तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में ट्वेंटी फिफ्थ मार्च ट्वेंटी फिफ्थ मार्च ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है उसके अंदर कंफ्यूजन पे क्रिएट होती है दोनों के अंदर बट यहां पे ध्यान रखो जब नाइंटी सिक्स है नाइंटी सिक्स इज ए लीप ईयर दोनों कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हो रहे हैं लीप ईयर का भी आपको देखना है डेट का भी देखना है आपने ठीक है ईयर भी चेंज कर दिया यहाँ पे ओके नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा, यस, फाइंड द रोंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज रोंग सीरीज भी आपको एग्जाम में मिल सकती है जब रोंग सीरीज आपको फाइंड आउट करनी है इन दैट केस रोंग सीरीज का मीनिंग क्या है कि जो सीरीज है उसके अंदर जो नंबर है ऑल द नंबर एक्सेप्ट सिंगल नंबर आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न बट देयर इज वन नंबर विच इज नॉट फॉलोइंग दैट पैटर्न एक नंबर ऐसा है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा बाकी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट दैट नंबर विच इज नॉट फॉलोइंग द पैटर्न ओके जो यहां पे पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा वो आपको फाइंड आउट करना है तो अगर हम यहां पे देखें डिफरेंस तो क्या आ रहा है देखो सिंपल डिफरेंस की सीरीज है सिंपल सीरीज है ओके तो अब अगर हम यहां से डिफरेंस देख रहे हैं तो बेटे डिफरेंस आ रहा है आपके पास में टू देन डिफरेंस ऑफ टेन हेयर द डिफरेंस ऑफ ट्वेंटी सिक्स हेयर द डिफरेंस इज ऑफ फिफ्टी देन द डिफरेंस इज ऑफ एटी फोर देन द डिफरेंस इज ऑफ वन ट्वेंटी अब आगे देखो क्या पैटर्न हो सकता है तो अगर हम यहां से पैटर्न देखें तो क्या पैटर्न बन रहा है आपके पास में यस yes, क्या पैटर्न बन रहा है दिस इज वन स्क्वायर प्लस वन ओके अब यहां पे अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है थ्री स्क्वायर प्लस वन फाइव स्क्वायर प्लस वन वन थ्री फाइव पैटर्न इज सेम आगे देखते हैं सेवन प्लस वन मींस ओड नंबर का स्केयर प्लस वन का डिफरेंस है अब यहाँ पे सेवन के बाद प्लस अब यहाँ पे देखो नाइन स्क्र वन दैट मींस एट्टी वन एट्टी वन प्लस वन एट्टी टू डिफरेंस शुड बी ऑफ एट्टी टू एट्टी टू का डिफरेंस होना चाहिए बट यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में एट्टी फोर का डिफरेंस है Okay? So आपके पास में टू फोर्टी फोर टू फोर्टी फोर हाँ जी क्लियर अब जब रोंग सीरीज एग्जाम में आती है तो वहां पे एक पॉइंट और आप सभी तो ध्यान रखना है क्या ध्यान रखना है कि अब अब मैंने अगर देखा कि भाई ये रोंग आ रहा है ये रोंग आ रहा है ये भी तो फॉलो नहीं कर रहा तो ये भी तो रोंग हो सकता है माइंड में कहीं ना कहीं खासकर जो बिगनर्स है उनके माइंड में ये भी आ रहा होगा तो उस केस में आपने क्या करना है उस सीरीज को ये देखो कि इसकी जगह पे फिर करेक्ट क्या आना चाहिए यू विल फाइंड आउट द करेक्ट ओके और जब हम अगर करेक्ट देखें तो यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा अगर एटी टू का डिफरेंस बनेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा 242. 242 बनना चाहिए ओके okay? अगर यहाँ पे टू फोर्टी टू बनेगा तो यहाँ पे डिफरेंस क्या बनेगा वन ट्वेंटी टू दैट मीन इलेवन स्क्स वन तो वो पूरी की पूरी सीरीज करेक्ट हो जाएगी डन सो आई होप नंबर सीरीज नंबर सीरीज सभी को जो अभी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए सभी को क्लियर है अगर कोई भी माइनर सा डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ओके दूसरा अभी मन आई एस आप लोगों के लिए माइक्रोवर्सिस प्रोवाइड कर रहे हैं रीजन बींग की हरेक स्टूडेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो कहते हैं कि नहीं मुझे कुछ टॉपिक्स ही क्लियर करने हैं बाकी मेरा क्लियर है तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ जी मुझे साथ साथ में आ, मेरा रिविजन हो जाए थोड़ा तो मेरा है बट ब्रश अप करना है तो एक बार क्या करते हैं कि पूरा कंप्लीट कर लेते कुछ फास्ट ट्रैक पे मुझे मिल जाए तो सभी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको माइंड में रखते हुए अभिमन्यु मन आई आपको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वो ले लो ओके okay? तो उसके लिए अभी जैसे नंबर सीरीज है तो अभी नंबर सीरीज के जो माइक्रोवर्स लेना चाहता है स्टूडेंट तो नंबर सीरीज के माइक्रोवर्स अवेलेबल है दिस इज द लिंक एंड द सेम लिंक इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन इवन अगर कोई आपके माइंड में क्यूरी है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ओके इवन मोबाइल नंबर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड यू कैन ऑल्सो कॉल यहाँ पे देखिए आपको नंबर सीरीज का टॉपिक मिल रहा है नंबर सीरीज के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो थ्री वीडियो लेक्चर अवेलेबल है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है इन दैट केस यू कैन गो फॉर वीडियो लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी हर एक लेक्चर के साथ में पीडीएफ अटैच है आप पहले पीडीएफ चेक कर सकते हो फिर उसकी वीडियो देख सकते हो ठीक है हर एक लेक्चर के साथ में टेस्ट अटैच है वेब नोट्स भी अवेलेबल हैं साथ में अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इन दैट केस यू कैन ऑल्सो टेक द प्रैक्टिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू यू ओके देर इज थ्री ट्रायल ऑल्सो अवेलेबल आप ट्रायल ले सकते हो आफ्टर दैट इट्स योर चॉइस कि हाँ मैंने लेना डन सो स्टूडेंट्स इट वॉज ऑल फॉर टूडे थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सुपर फाइव में जिसमें पीवाईक्यूज़ क्यूज डिस्कस करेंगे सो बेस्ट ऑफ लक बने रहिए अभिमन्यु अभिमन्यू आईएस के साथ थैंक यू